आपके साथ कोमल गुप्ता वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद। ईद के पर्व पर पति ने ही कर दी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या। बता दें, थाना रसूलपुर क्षेत्र के गली नंबर 8 में 28 वर्ष की महिला की चाकू मार कर की गई हत्या। महिला के पति ने की उसकी हत्या, वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले पति को किया गिरफ्तार। जहां पूरा मुस्लिम समाज फिरोजाबाद के अंदर ईद का पर्व मना रहा था, तो वहीं शहजाद नाम का व्यक्ति ईद के पर्व की आड़ में अपनी पत्नी यास्मीन की हत्या की साजिश रच रहा था और उसने ईद का पर्व फायदा उठाकर अपनी पत्नी यास्मीन की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। और ईद के पर्व को लेकर घर पर ही रहा कि कोई उस पर शक ना करे, लेकिन पुलिस ने उससे जब पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने मृतक महिला यास्मीन के पति शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्या के पीछे लगातार पारिवारिक झगड़ा सामने आ रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट शेखर यादव, फिरोजाबाद। पति का नाम क्या है? ये कौन है? आप उनकी क्या है जो खत्म हुई है? अरे नीचे आ रहा है, बाप पूछ रहे हैं, वो उसका जवाब तो नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, उसमें कोई वो थोड़ी हट आयो। रामगढ़ क्या मामला है? उससे इसका अफेयर है। कैसा था वो? उसको मार रहे थे। अच्छा, दोनों दूसरे को मार रहे थे। गाड़ी गिरफ्तारी हो रही थी। अच्छा, बहुत बुरी करी है। हवेली मंगो चिक्की नंबर। अनवर जी, ये अभी घटना हुई है, किस तरह से घटना हुई है, क्या हुआ था पूरा बताएं। पति पत्नी की लड़ाई है। क्या हुआ था, किस तरीके से? औरत का जो है दूसरे के साथ अफेयर है। कौन है वो? इमरान। कहाँ का रहने वाला? रामगढ़। अभी क्या हुआ था, किस तरह से घटना हुई है? दिन में आया था वो, करीब 10-11-12 बजे करीब आया था वो। उसके आदमी को एतराज है उस बात से, दोनों में लड़ाई हुई, मारपीट में उसके आदमी ने उसको छुरी मार दी। छुरी? फिर अब क्या कंडीशन है उसकी? वो तो मर गई। अच्छा, कब से आता जाता था वो? कौन वो इमरान? कब से आता जाता था? बहुत पहले से आता जाता है, यहाँ पर तो संग लेकर आई है वो। तो इनके पति क्या करते थे? पुताई का काम। कहाँ पर? अलीगढ़। वो आए थे आज? वो अभी 2 दिन पहले आए हैं अलीगढ़ से। आज नहीं आए? हाँ, घर पर ही मौजूद है वो कहीं गए, वो आया पीछे से। अच्छा, ये हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने बीच बचाव किया था? हाँ, बीच बचाव किया। अगर बीच बचाव नहीं कर रहे हो तो अम्बा को बंद कैसे करते आदमी को? आदमी को बंद किया है ना कमरे में, भाग जा रहा था मार के छोड़ी वो। पुलिस ने पकड़ लिया गया? हाँ, पुलिस अभी पुलिस के सामने खोला है उसको। सर, थाना रसूलपुर क्षेत्र में किसी की हत्या हुई है, किस तरह का मामला है, क्या है? देखिए, पुराना रसूलपुर का प्रकरण है। थाना रसूलपुर में यास्मीन वाइफ ऑफ शहजाद, पता चला है कि इनकी ये विवाहिता हैं, लगभग 28 वर्ष की। इनके पति शहजाद ने ही इनकी चाकू घोंप के हत्या कर दी है और इसके कारणों की जांच की जा रही है। सबको कब्जे में ले लिया गया है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कामरान सिद्दीकी, प्रधान ग्राम पंचायत नगला मुल्ला की तरफ से जनपद वासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। शाहिद खान, सब इंस्पेक्टर थाना दक्षिण की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। समीर बाबा वार्ड नंबर 53 से पार्षद पद के प्रत्याशी अध्यक्ष बाबा ब्लड फाउंडेशन फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद।
फिरोज खान वार्ड नंबर 54 चिश्ती नगर से पार्षद पद के उम्मीदवार। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद मुईन अली वार्ड नंबर 55 पार्षद पद के उम्मीदवार। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। नूरुल हुदा लाला राइन गांधी शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी सदस्य वार्ड नंबर 43 दुर्गेश नगर से पार्षद पद के कांग्रेस के उम्मीदवार। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद रेहान पार्षद पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 65 मसरूरगंज फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। गुलफाम मुशीर एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। विनीता अग्रवाल पार्षद वार्ड नंबर 51 व कृष्ण मुरारी अग्रवाल भाजपा नेता। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। शारिक भाई जिला सचिव समाजवादी पार्टी पूर्व सभासद व पार्षद पद के उम्मीदवार वार्ड नंबर 60 फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद सारिम शिक्षित ईमानदार कर्मठ समाज सेवी पार्षद पद के उम्मीदवार वार्ड नंबर 67 हाजीपुरा फिरोजाबाद। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। राशिद शेख मंसूरी शिक्षक श्री पी डी जैन कॉलेज जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया जमीयत उल मंसूर फिरोजाबाद। डॉक्टर शोएब इकबाल गालिब नगर PUMS पूर्व सेक्रेटरी रोटरी क्लब फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। सोहिल अब्बास AIMIM युवा नया चेहरा वार्ड नंबर 70 से पार्षद पद के प्रत्याशी। सबको देखा बार बार सोहेल अब्बास अब की बार। मोहम्मद आरिफ पूर्व अल्पसंख्यक नगर अध्यक्ष शिक्षित ईमानदार समाजसेवी वार्ड नंबर 52 से पार्षद पद के प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। अब्दुल बहाव वार्ड नंबर 70 के पार्षद की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। बड़ों का हाथ युवाओं का साथ, कहो दिल से भाव भाई फिर से। शारिक सलीम पार्षद वार्ड नंबर 57 नगला बरी फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। राहुल यादव नाती नन्नू मल यादव वार्ड नंबर 40 से पार्षद प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। देश दीपक यादव वार्ड नंबर 40 से पार्षद व प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। मोहम्मद कामरान शिक्षित ईमानदार पार्षद पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 61 की तरफ से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद की जानिब से शहर के सभी लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद। इस्लामिक सेंटर फिरोजाबाद का पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब एक ऐसा हब है जहां हर प्रकार के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स, अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू स्पीकिंग कोर्स, स्टिचिंग, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी कोर्स, कुकिंग कोर्स, 10th 12th क्लास स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग, इस्लामिक स्टडी कोर्स और साथ ही डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, चैरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कंपटीशन GK एंड सीरत मोहम्मद साहब इस्लामिक कंपटीशन, स्टूडेंट लाइब्रेरी भी मौजूद है। तमाम सुविधाओं से युक्त एक बार अवश्य विजिट करें। हमारा पता है इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी गली नंबर 3 मस्जिद आयशा के पास फिरोजाबाद।